आज हम तुलसी के पत्ते का कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और दोस्तों बदल सकता है आपका भाग्य। तुलसी के 11 पत्ते बदल देंगे आपका पल भर में भाग्य और दोस्तों आपका मनोकामना जल्द ही पूरा होगा। दोस्तों आपको पता ही होगा, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे आसान प्रयोग के बारे में बताया गया है जिसे जानने के बाद आपका हर मनोकामना पूरा होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो विधि क्या है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र मानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां वस्तु दोष नहीं होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र का मानना है कि इस पौधे को लगाने से घर का और आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है। दोस्तों अगर आपके दिल में कोई भी इच्छा है और दोस्तों वह जल्दी पूरा नहीं होता है तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको तुलसी के 11 पत्ते रविवार या एकादशी के दिन तोड़ ले, इन पत्तों को अच्छी तरह से धोकर सुखा ले। इसके बाद हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले नारंगी सिंदूर में तेल मिलाकर तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखे और इन पत्तों की माला बनाकर बजरंग बली को अर्पित करे और उन्हें अपनी मनोकामना बताए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। अगर दोस्तों आपके घर में अशांति का वातावरण है तो तुलसी के 4-5 पत्ते लेकर इन्हें धोकर साफ कर ले। इसके बाद पीतल के लोटे या कोई भी पात्र ले और उसमें साफ जल लेकर तुलसी के पत्ते डालकर रख दे। प्रतिदिन नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इन जल का छिड़काव करे। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों अगर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको एक काम जरूर करना चाहिए। एक आटे का दीपक बनाकर उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर शाम को तुलसी के सामने ज्वलित करें। इस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रखने से भाग्य साथ देने लगता है और दोस्तों बिगड़े काम बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों हमेशा रहस्य भरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।